क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं फोन। देख बेटा, हमें इसे आराम से सोच समझ कर अकेले में बताना पड़ेगा, मौका देख के। कभी इस घर की भिंडड़ी दृष्टि नहीं, बुलबुल। फिर से घंटी की आवाज। शिवानी चीची को आज क्या हो गया? इतने जोरों से क्यों घंटी बजा रही? अगर वो अभी तक घंटी बजा रही है, इसका मतलब भाई जी पहुंची ही नहीं है वहां पे। अब मैं क्या करूं? हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो सॉरी पापा साहब। वानी जीजी, अरे यहाँ तो ताला है। जीजी आपको कुछ चाहिए था? अरे ये खिड़की के पास क्यों जा रहे हैं? वानी जीजी, जीजी रुकिए, जीजी उधर मत जाइए, जीजी। ये तो बाहर चली गई। अब मैं क्या करूं? दृष्टि को ही बनाना है मुझे इस घर की बहू। दृष्टि पढ़ी लिखी है, समझदार है, सयानी है, उम्र भी छोटी नहीं है उसकी। वो ही बनेगी इस घर की बहू। बहू में तीन गुण होने बहुत जरूरी है, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। और दृष्टि में वो सारे गुण हैं। उसे ही बनाऊंगी मैं इस घर की बहू। लेकिन जब तक मैं थानेदार साहब को बुलाऊंगी ये गिर गई तो नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जीजी रुकिए, रुकिए। क्या करूं? अगर जीजी गिरी तो इस पे गिरेंगे, ज्यादा चोट नहीं है। जीजी रुकिए। ये कौन है? मुझे चढ़ना पड़ेगा। जीजी रुकिए। मुश्किल नहीं पहाड़ दे पछाड़। जीजी रुकिए। जीजी आराम से। तुम कौन हो? तुम इस घर में क्या कर रही हो? दृष्टि की छोटी बहन हो ना तुम? हाँ हाँ, तुम हमारे घर में। मंगलसूत्र पहन रखा? मांग में सिंदूर भी, लेकिन तुम तो दृष्टि से छोटी हो ना? तो तुम्हारी शादी कर दी? किससे करी शादी? किससे हुई शादी? अरे बता ना, शादी किससे हुई है? मुझसे हुई है माँ।
मेरी माँ को खुड़की डेली बुलाती हूँ ना, उनका एक फोन है। गीता का फोन है? लाओ मुझे बात करो, मुझसे बात कराओ गीता की। फोन लेकर आओ। हेलो, कैसी हो गीता? समदन सा, खम्बा गणी समदन सा, मारे को बताया बुलबुल ने कि आप खाटू श्याम जी की कृपा से स्वस्थ होके वापस घर आ गए हैं। अच्छा, सासरे की रपट मायके तक पहुंचाने में बीनी ने जरा भी देर नहीं लगाई। बातें करने के अलावा और क्या क्या सीखा है हमारी बेटी ने? तुम तो जानती हो ना गीता, बींदनी के तीन श्रृंगार, मर्यादा मर्यादा, परवरिश परवरिश और अच्छे संस्कार अच्छे संस्कार। अरे वाह वाह वाह, तैयारी तो बहुत बढ़िया हो गई भाई, वाह वाह। ये क्या कर रहा है, ढंग से कर इसको। अरे वो कर रहा है वही बहुत है। पंडित जी, पंडित जी आपने पूजा की सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ, ये लीजिए ये प्रसाद और ये पंचामृत, संभाल कर अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल दीजिएगा, बच्चे ले आएंगे। जल्दी से बुलबुल बिंदनी ने बुला लिया, फटाफट। हाँ व्योम, जिन्हें आना था वो आ गए हैं और जिन्हें आना है वो अपने आप आ जाएंगे। माँ तूने ऑन टाइम, तू तो हमेशा से ही टाइम पर ही आता है। एक काम कर, जाकर नहा ले और तेरे कपड़े ना मेरे कमरे में रखे, वो भी बदल लेना। हूँ जल्दी आ जा, पूजा शुरू करनी है। पहले परिवार वाले, फिर बाहर वाले। हाथ आगे करो, हाथ। खुश रहो। सदा सुहागन रहो। मासा, अच्छा कुछ भी हुआ सॉरी मासा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी उठूं, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं। जब भी मारे को पता चलता है कि मारे को सुबह उठना है, मारे सर ना ऐसे चक्कर खाने लग जाते हैं, बुखार आ जाता है मारे को, ऐसे नानी याद आ जाती है पता नहीं क्यों। ये कौन सी भाषा में बात कर रही हो? सोच समझ कर बोला करो, ये कोई तरीका है बात करने का? वाह भाभी, क्या भजन गाया आपने, एकदम वो क्या बोलते हैं पापा, क्या बोलते हैं, परम मोह लिया, नहीं परम आनंद। हाँ एकदम परम आनंद आ गया आपका भजन सुन के। ये तो आवाज नए ढंग से भी ज्यादा अच्छी थी। चल लड्डू खाते हैं, चल चलो। रे बिंदनी, भजन तो तूने बहुत मीठा गाया, ओह मजा आ गया। पर एक बात बता मारे, तू है इतनी छोटी सी,
भजन के सारे बोल तारे को कैसे याद है? वो हमारी गुड़ की ढेली है ना, वो गाती थी तो सुन के मैंने सीख लिया। जो काम भी मारे को अच्छा लगता है ना, मैं वो ऐसे सीख जाती, इसीलिए तो मैं जल्दी सुबह नहीं उठ पाती। मेरे से भी नहीं उठा जाता था सुबह सुबह। हाँ दुनिया जागी मैं हमारा। ये तो थारी मांसा के साथ रहते रहते आदत पड़ गई हमारे को। वो सुबह सुबह उठा देती थी, अपना पूजा में खड़ा करवा देती थी। और पता है मैं ना पूजा के टाइम पे ना ऐसे बीच बीच में झपकियां लेता, पर मैं था बड़ा शातिर, आज तक पकड़ा नहीं गया। मैं आपका आज के लिए। हाँ? तो ठीक है, सब लोग ये काम करो, मेज पर आ जाओ, नाश्ता कर लेंगे। भाई जी नाश्ता लगवाओ। माँ नाश्ता? रुक जा, तू जाकर इसे पहले घर पहुंचाया। दृष्टि को मैं क्यों मां? कोई बात नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। रुको दृष्टि, बता दो फिर मारे को अकेले जाते देख खुद ही छोड़ने आएंगे। गुड, अब मारे को उनके साथ अकेले में और टाइम मिल जाएगा। बुलबुल, ये प्रशांत माँ और पापा के लिए भिजवा दो, और मैं किसी ड्राइवर को बोल देता हूँ वो इन्हें इनके घर छोड़े। फिर सॉरी जीजी, मारी वजह से थारे को इतना दूर आना पड़ा। मैं चाहती हूँ